Good evening, all of you. I am Namit Kumari, welcomes you all on my channel. As you know that we are doing Unit 11, Marketing Management, and in that, today we will discuss about some marketing philosophies. So, what is philosophy? Philosophy means ki kis tarike se hamari jo marketing hai wo develop hui hai. Initially, what type of marketing we were using, and nowadays, what type of marketing we are doing. Right? So, let's begin. फर्स्ट फिलॉसफी हैडिंग मीन्स यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी कि सभी कॉन्सेप्ट्स में क्या क्या चीज़ें यूज़ की गई हैं. उसके बाद मैं आपको बताऊँगी फोकस में, मतलब कि इन जो फिलॉसफीज थी इनमें किस चीज़ पर फोकस किया गया. एंड एंड्स मीन्स कि जो आपकी कॉन्सेप्ट है या जो आपकी फिलॉसफी है वो कहाँ पर जाकर एंड हो जाती है. एज यू नो दैट अर्लियर मार्केटिंग वॉज ओनली रिलेटेड विद प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, बट gradually, slowly and gradually it tends to change because customer is the king of market and we have to do some customer satisfaction also. अगर आपका customer satisfy नहीं है तो वह आपके product को दोबारा से खरीदने नहीं आएगा and it will affect your sales, ठीक है ना, and affect your goodwill also. तो marketing जो है अब क्या है, not only selling but also customer satisfaction and something more we will discuss, right? लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट. नाम से ही पता चल रहा है ये वो कॉन्सेप्ट है जहाँ पर फोकस किया गया था प्रोडक्शन पर. इस कॉन्सेप्ट की फिलॉसफी क्या थी कि चीप प्रोडक्ट्स कैन बी सोल्ड इजीली. जितना भी सस्ता आप प्रोडक्ट बनाओगे वो ज़्यादा बिकेगा, ठीक है. इस कॉन्सेप्ट में ये माना गया कि बल्क ऑफ प्रोडक्शन करते जाओ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आनी चाहिए, बहुत सारा सामान बनाते जाओ, जितना ज़्यादा सामान बनाओगे उतना ज़्यादा सामान बिकता चला जाएगा, ठीक है. इनका ये फोकस था, लेकिन सामान सस्ता होना चाहिए क्योंकि बहुत समय पहले हमारे कंट्री में इतनी मनी नहीं थी, मनी की प्रॉब्लम थी, तो इसीलिए उन्होंने सोचा चीप प्रोडक्ट बनाओ और वो इजीली सेल हो जाएगा. अब इनका फोकस कहाँ था, देयर फोकस वॉज ऑन मोर क्वान्टिटी कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन आपको करना है. देन लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में आने वाला खर्चा, ठीक है. तो जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाओगे बल्क में यानी थोक में प्रोडक्ट बनाओगे तो ऑब्वियसली उसको बनाने में जो कीमत है, जो खर्चा है वो कम हो जाएगा. और अगर किसी प्रोडक्ट को बनाने में खर्चा कम आएगा तो उसका प्राइस भी कम होगा. प्राइस कम होगा तो वो ऑलरेडी मार्केट में ईजिली सेल हो जाएगा, ऐसा इनका मानना था. देन परफेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. इनका कहना था कि जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो परफेक्ट होना चाहिए. मतलब अगर मैं प्रोडक्ट दिल्ली में बना रही हूँ तो वो ऑल ओवर इंडिया बिकना चाहिए, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित रह जाए, ठीक है. देन ये इनकी जो कॉन्सेप्ट था ये कहाँ पर एंड हो जाता था, ये कहते थे कि प्रॉफिट करना है लेकिन मैक्सिमम प्रोडक्शन से. प्रॉफिट तो कमाना चाहते हैं, देखो हर फिलॉसफी प्रॉफिट कमाना चाहती है, लेकिन इनका प्रॉफिट कैसे आता था, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करने से, ठीक है. नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट. प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट का नाम देखो, एज द नेम सजेस्ट प्रोडक्ट फोकस था ये, ठीक है. इन्होंने कहा कि फोकस प्रोडक्ट पे होना चाहिए. जैसे कि जब प्रोडक्ट आप बना रहे थे और आप उसे मार्केट में बेच रहे थे तो धीरे धीरे कंज्यूमर जो था वो स्मार्ट होने लगा और वो क्वालिटी कॉन्शियस होने लगा. तो इसीलिए इन लोगों ने सोचा कि गुड क्वालिटी प्रोडक्ट जो है वो हमें बनाना चाहिए बिकॉज इट कैन अट्रैक्ट द कस्टमर्स, राइट. देन देयर फोकस वॉज ऑब्वियसली ऑन द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट. इनका ये मानना था कि सिर्फ सस्ता प्रोडक्ट बनाओगे तो बात नहीं बनेगी, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो क्वालिटी को भी पसंद करते हैं, तो अगर हम क्वालिटी पे फोकस करें तो हमारी सेल्स ज़्यादा हो जाएंगी, ठीक है. एंड देयर एंड्स वॉज प्रॉफिट थ्रू क्वालिटी. इनका ये मानना था कि प्रॉफिट तो कमाना है लेकिन क्वालिटी के थ्रू. गुड क्वालिटी मीन्स गुड सेल्स एंड गुड प्रॉफिट्स. फिर धीरे धीरे समय बदलता गया, कस्टमर्स की डिमांड टेस्ट चेंज होती गई और नया कॉन्सेप्ट मार्केट में आया जिसका नाम था सेलिंग कॉन्सेप्ट. सेलिंग कॉन्सेप्ट का मतलब सेल कर देना, ठीक है. तो इस कॉन्सेप्ट की फिलॉसफी क्या थी, मतलब ये कॉन्सेप्ट जो था इसका क्या सोचना था, ये ऐसा सोचते थे दैट गुड्स आर नॉट बॉट, मतलब बॉट सॉरी गुड्स आर नॉट बॉट, गुड्स खरीदे नहीं जाते, दे हैव टू बी सोल्ड, उन्हें बेचना पड़ता है, ठीक है. अब यहाँ पर इन्होंने क्या सोचा कि कस्टमर को बुद्धू बनाया जाए, ठीक है. कस्टमर इतना स्मार्ट नहीं है, इतना इंटेलिजेंट नहीं है, वो क्वालिटी कॉन्शियस है
मगर अगर हम उसे अट्रैक्ट कर दें और उसे हम थोड़ा सा घुमा फिरा के अपनी बातों में उलझा लें तो वो हमारा प्रोडक्ट खरीद लेगा। तो इनका ये मानना था कि कस्टमर प्रोडक्ट खरीदता नहीं है, हमें उसे बेचना पड़ता है। ठीक है, सो ऑन विच पॉइंट देवर फोकसिंग, देवर फोकसिंग टू अट्रैक्टिंग द कस्टमर्स, मीन्स उन्होंने हैवी एडवर्टीजमेंट्स करनी शुरू की, उन्होंने अच्छे प्रमोशनल टूल्स यूज़ करने शुरू किए। ठीक है, कस्टमर को अपनी बातों में उलझाना शुरू किया और वो कस्टमर को अट्रैक्ट करने लगे। एंड देयर सेकेंड मोटिव वॉज एजुकेटिंग द कस्टमर, कि कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में एजुकेट करो, उसे बताओ कि प्रोडक्ट में क्या क्या खास बातें हैं और वो उन चीज़ों को जानने के बाद प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट होगा तो हमारा सेल हो जाएगा। ठीक है, एंड एंड्स कहाँ होता था उनका, जो प्रोडक्ट था वो कहाँ से कमाते थे प्रॉफिट, देवर फोकसिंग ऑन प्रॉफिट थ्रू मैक्सिमम सेल्स। उन्होंने ये कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स करो, क्योंकि जितना ज़्यादा आपका सामान बिकेगा उतना ज़्यादा आपके पास मनी आएगी, आपके पास प्रॉफिट आएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट जो था ये पिछले कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा बेटर था, क्योंकि यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट आई और कस्टमर के बारे में थोड़ा सोचा गया, मगर कस्टमर को बुद्धू बनाकर। ठीक है, तो इसीलिए ये भी धीरे धीरे फेल हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आया वो था मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, जिसने इन सभी कॉन्सेप्ट्स की बुराइयाँ ख़त्म कर दी। तो क्या कहा मार्केटिंग कॉन्सेप्ट ने, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का सोचना था कि कंपनीज डू नॉट प्रोड्यूस वट दे कैन प्रोड्यूस, कंपनीज को वो नहीं बनाना चाहिए जो वो बना सकती हैं, दे प्रोड्यूस वट दे कैन सेल, उन्हें वो बनाना चाहिए जो वो बेच सकती हैं। बात का मतलब समझिए, ये वाले जो कॉन्सेप्ट थे ये क्या कहते थे, जो भी आप बनाओगे कस्टमर को बेच दो। ये कहता था सस्ता है तो कस्टमर को बेच दो, वो खरीद लेगा। इसने कहा कस्टमर को गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट दोगे तो वो खरीद लेगा। इन्होंने कहा कि नहीं, उनको अट्रैक्ट करके बेच दो। सभी ने बेचने पे फोकस किया कि बनाओ और बेचो, लेकिन एक्चुअल में कस्टमर क्या चाहता है क्या किसी ने सोचा? नहीं। तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जो था उसने ये कहा कि पहले आप ये सोचो कि आपको क्या बनाना है, तभी वो बिकेगा। और बनाना क्या है? जो कस्टमर चाहता है। अगर आप कस्टमर की इच्छा के अनुसार प्रोडक्ट बना दोगे तो उसको फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली आपका प्रोडक्ट खरीद लेगा। ठीक है, तो इसीलिए इन्होंने इस चीज़ पर फोकस किया। नाउ द फोकस वॉज कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। इन्होंने कहा कि कस्टमर की सेटिस्फेक्शन सबसे बड़ी है। अगर हमने कस्टमर को एक बार सेटिस्फाई कर दिया तो वो ऑटोमेटिकली हमारा प्रोडक्ट खरीदेगा, और जितने बार वो हमारा प्रोडक्ट खरीदेगा हमारे प्रॉफिट्स उतने ज़्यादा बढ़ते जाएंगे। ठीक है, एंड देयर एंड वॉज प्रॉफिट थ्रू कस्टमर सेटिस्फेक्शन। देखो मेन फोकस इनका कंज्यूमर पर है, यहाँ भी यहाँ भी, क्योंकि इस टाइम पर कंज्यूमर को किंग ऑफ मार्केट बोला जाने लगा, कि कस्टमर अब बुद्धू नहीं रहा, वो समझदार हो गया, स्मार्ट हो गया, इंटेलिजेंट हो गया, वो समझ गया कि मुझे कौन सा प्रोडक्ट खरीदना चाहिए और कौन सा नहीं, वो चीज़ों को जज करना सीख गया। सो फोकसिंग वॉज डिफरेंट। एंड लास्ट सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, दिस इज प्रिवेलिंग नाउडेज। सबसे ज़्यादा फोकस इसी पे किया जा रहा है, ये सबसे ज़्यादा फेमस हो चुका है। यहाँ पर क्या हुआ, इन्होंने सोचा कि सिर्फ कस्टमर को सेटिस्फाई करना ज़रूरी नहीं, हमें सोसाइटी का वेलफेयर भी देखना चाहिए। सोसाइटी का वेलफेयर मतलब कि जो जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं ना, वहाँ रहने वाले लोगों की भलाई के बारे में भी हमें सोचना चाहिए। ठीक है, देखिए कस्टमर आपके लिमिटेड हो सकते हैं, जैसे कि आप अगर क्लोथ का काम करते हैं, क्लोथ आप बेच रहे हैं, तो आपके कस्टमर सिर्फ वही होंगे जिन्होंने कपड़े खरीदने हैं। बट जिस सोसाइटी में आप रह रहे हो वहाँ तो हर तरह का कस्टमर रहता है। ठीक है, उनकी सबकी अलग अलग डिमांड्स हैं, तो आप सिर्फ अपने कस्टमर के बारे में मत सोचो, आप अपनी सोसाइटी के बारे में सोचो। अगर आप सोसाइटी में हेल्दी रहोगे तो आपका प्रोडक्ट बिजनेस भी हेल्दी रहेगा। इसीलिए उन्होंने सोसाइटी पे फोकस किया। फोकस वॉज कंज्यूमर वेलफेयर। कंज्यूमर वेलफेयर मतलब अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट देना है, एनवायरमेंट को पल्यूट नहीं करना है, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होने देना। ठीक है, इस तरह से कंज्यूमर की वेलफेयर पर फोकस किया। कुछ भी ऐसा प्रोडक्ट ना बनाएं जो कंज्यूमर की हेल्थ को या एनवायरनमेंट की हेल्थ को नुकसान पहुंचाए। तो इनका जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन था वो कैसे होता था, प्रॉफिट थ्रू कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड सोशल वेलफेयर। ये जो कॉन्सेप्ट था ये इससे भी ज़्यादा ब्रॉड हो गया, यहाँ पर कस्टमर के साथ सोसाइटी पर भी फोकस होने लगा।
क्लियर है? तो आई थिंक आपको इन सब में डिफरेंस समझ आ गया होगा. डिफरेंस आपकी बुक में भी दिया हुआ है. जब आप ये कॉन्सेप्ट ईजिली समझ जाओगे तो डिफरेंस करना बहुत ईजी हो जाएगा. आई होप आई हैव क्लियर यू एनी एवरीथिंग एवरी पॉइंट. एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है देन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट. थैंक यू. सब्सक्राइब ऑल्सो.